अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है कैनवा पे, ठीक है। तो अब कैनवा में मैंने आपको कल बताया था यूट्यूब थंबनेल बना जो है सिखाया था, उसके बाद आज मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ से एक और चीज़ कि इंस्टाग्राम के लिए आपने कोई पोस्ट बनानी है तो वो कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। तो इंस्टा के लिए पोस्ट बनाने के लिए आपने थंबनेल जो है इंस्टा की पोस्ट के लिए आपने कैनवा यूज़ करना है, और कैनवा पे मैंने क्लिक किया है। तो मेरे पास जैसे ही ये कैनवा के टेम्पलेट्स ओपन होते हैं तो मैं आपको ये स्टार्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे हम कैसे जो है नेट थोड़ा सा स्लो है, तो दोबारा मैं जो है इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये देखें जी, इंस्टा ओपन हो रहा है, इंस्टा के डिफरेंट टेम्पलेट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है मैंने इसको सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा टेम्पलेट चाहिए। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी ये बता चुका था कि कुछ हमारे पास फ्री वर्जन्स होते हैं और कुछ इसके पेड वर्जन्स होते हैं, यानी कि कैनवा में कुछ जो टेम्पलेट्स हैं उनमें कुछ फ्री में पेड भी अवेलेबल है, हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो जो टेम्पलेट मुझे अच्छा लगेगा मैं उस टेम्पलेट को यूज़ कर लेता हूँ और आपको जो है ये सिखा देता हूँ कि इसको कैसे आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो आप फ्री वाला जो है आपने वो सिलेक्ट करना है, कुछ पेड भी हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लग रहा है इसके लिए आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ये फ्री वाला, इस फ्री वाले में मैंने क्लिक किया, तो फ्री वाले में जब क्लिक किया तो आपके पास जो इमेज है वो आपके सामने यहाँ पे टेम्पलेट्स ओपन होके आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया टेक्स्ट में, ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट में आपने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो नाम वगैरह है या कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये लिख के भी दिखा देता हूँ। ये मैंने नाम लिख दिया, ऊपर मेरे पास यहाँ पे ये मौजूद है, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है, टेक्स्ट जो आपके पास मौजूद है। और अगर आपने ये देखें ये नीचे मौजूद है, इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दें, और डिलीट ये भी आपसे डिलीट हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे टेक्स्ट पे आ जाएं, ये देखें ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट के फॉर्मेट यहाँ से आ जाएंगे, आपको जो फॉर्मेट अच्छा लग रहा है आपने उस पर क्लिक करना है और उस फॉर्मेट को आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। लेकिन बस ये याद रखना है जो आपके पास फ्री वर्जन हो आपने उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो पेड वर्जन है वो अगर आपने पे किया हुआ तो फिर आप वो यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। आपको यहाँ से जो भी अच्छा लग रहा है, सपोज ये फ्री है तो मैं इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मैं जो है सपोज़ आप अगर किसी कंपनी में हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये नाम लिख देना है। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ जी अली लिख दिया मैंने, ठीक है। आपको समझाने के लिए सिर्फ ये लिख दिया आपने। यहाँ पे बैक पे तस्वीर है और तस्वीर अगर आपने ख़त्म करनी है तो ख़त्म करके यहाँ अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, और अगर नहीं करनी तो आप उसको अपनी तस्वीर यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी मोर का ऑप्शन है, मोर के ऑप्शन में अगर हम नीचे आएँ तो हमारे सामने डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर जो है वो दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जो कुछ सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। सपोज़ आप इंस्टा के लिए कर रहे हैं तो आप इंस्टा लोगो आप अगर लिखें, अगर अवेलेबल होंगे तो नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह डिज़ाइन करके यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पर जाना है। डाउनलोड के ऑप्शन पर जाने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है JPG फाइल, ठीक है। तो JPG फाइल सिलेक्ट की, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे लोकेशन मांगी जाएगी, आपने जिस लोकेशन में इसको स्टोर करना है आप इसको स्टोर कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।